स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी में अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंचे जिला मुख्यालय सिवनी। सिंचाई परियोजना का पानी अपने खेतों तक पहुंचाए जाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों व दो पहिए वाहनों से बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर रैली निकालकर जिला कलेक्टर परिसर पहुंचकर अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके पूर्व में कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, जो कि बड़े खेत का विषय है, जो कि अन्नदाता की समस्या का हल ना तो कलेक्टर महोदय के पास है ना ही राजनेताओं के पास है। पानी दो या जहर दो के नारों के साथ गूंजा धरना स्थल। 10 दिन के अंदर मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो मजबूरी वश उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हजारों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। सिवनी संवाददाता राजकुमार फरवे की रिपोर्ट। आप लोगों जी, हमारी समस्या पानी की समस्या है और नहर संबंधी समस्या है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग नहर की मांग कर रहे हैं। कौन गांव से आए आप लोग? हम सेहोरा पंचायत, खामखरेली पंचायत, बलारपुर पंचायत और थावरी पंचायत। बताइए आप, हमारी समस्या पानी की, हमारे खेतों में पानी नहीं है, साथ ही साथ पीने की भी गंभीर समस्या है, पेयजल की भी समस्या। विधायक महोदय कह के गए थे चुनाव के समय कि हम आपकी जल समस्या तत्काल पूरी करेंगे। आज एक प्राइवेट किसान से लेकर गांव वाले पानी पी रहे हैं और ये विधायक महोदय से बात करते हैं तो इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रतिनिधि बन गए, कुर्सी पकड़ ली, बात खत्म। हमारी इनके पास भी हमने आवेदन दिया नहर के संबंध में, बोले मैं कलेक्टर के पास गया था, अब तुम लोग जाओ बोले पूरे गाँव भर के किसान और जाके अपनी मांग रखो। मैं तो मांग कर ही रहा। ज्ञापन दिए अभी आप? हाँ जी हाँ, अभी ज्ञापन दिए हैं। और ज्ञापन देने में भी एक समस्या,